स्टेयरिंग भी अगर मैं देखूंगा तो वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जिसको आप अपने आराम के हिसाब से ऊपर नीचे सब ऊपर नीचे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शानदार आप देखेंगे तो इसमें हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और नीचे और नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोपिक टिल्ट स्टीयरिंग के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी है, जेसीबी में जैसा आता है जेसीबी से भी हटके। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बैठ के फील कर रहा हूँ कि मैं किसी जो है कार से भी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे पास खुद की कार है हुंडे की, तो मैं ऐसा फील उसमें भी नहीं करता हूँ जैसा कि मैं इस कार इस ट्रैक्टर में फील कर रहा हूँ। जी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर के आ चुके हैं हमारे जिले से फर्स्ट डिलीवर किए जाने वाला ट्रैक्टर जॉन डियर 5405 एसी केबिन, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफी शानदार और काफी प्यारी ये गाड़ी लग रही है, क्योंकि अपन इसको गाड़ी बोलेंगे सर, ट्रैक्टर नहीं बोलेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो हमारे साथ में है पाठक सर जॉन डियर कंपनी की तरफ से। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई, नमस्कार किसान भाइयों। तो आइए मैं आपको आज लेके चलता हूँ एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ, और इसमें आपको रूबरू कराना चाहूँगा जॉन डियर के 5405 जो कि 63 HP का एसी केबिन ट्रैक्टर है। तो सर जी ये जो ट्रैक्टर है अपना पहला ट्रैक्टर जा रहा है शिवपुरी से। बिल्कुल राहुल भाई, ये हमारा शिवपुरी जिले का हमारा पहला ट्रैक्टर है जो कि एसी केबिन ट्रैक्टर है, जो कि हमारी शिवपुरी ट्रैक्टर्स के द्वारा डिलीवर किया जाने वाला है आज के डेट में। जी तो बहुत शानदार दोस्तों ट्रैक्टर है काफी, और इसके फीचर्स इससे ज्यादा शानदार हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। अंदर से तो आपको बिल्कुल अभी दिखाया नहीं है हम लोगों ने, अंदर से जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये ट्रैक्टर कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो सर फीचर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो फीचर्स से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसा कि जॉन डियर का जो फीचर्स रहता है एरोडायनामिक बोनट और सिंगल पीस बोनट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल पीस बोनट है गैस स्ट्रक्चर खुलने वाला, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ऐड की हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे एयर चार्ज कूलर भी ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और ये ट्रम 4 ट्रैक्टर है जॉन डियर का जो कि BS4 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। जी सर, जो कि अपना 5310 BS4 जैसे ही ये 63 HP में है अपना ट्रैक्टर। बिल्कुल वैसा ही सेम वैसा ही ट्रैक्टर है नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो 63 HP का ट्रैक्टर है। आपने पहले देखा होगा 5310 देखा होगा। जी सर वैसा ही ये 5405 63 HP में है, बट ये एसी केबिन ट्रैक्टर में है। तो मैं आपको BS4 के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे इसके एसी केबिन की तरफ कि ये कितने लग्जरी यहाँ पे लग्जरी आपको देता है और कितनी ही प्रीमियम फील यहाँ पे देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल सर बिल्कुल ये जो इसका केबिन है ये पूरा एयर प्रूफ जिसको बोलते हैं नॉइज प्रूफ केबिन है, बहुत ही लग्जरी फील कराता है जब खोलते हैं हम इसको। काफ़ी शानदार और लग्जरी लग रहा है सर, काफी शानदार सर, बिल्कुल जेसीबी में जैसा आता है जेसीबी से भी हटके। बिल्कुल मैं यहाँ पे बैठ के फील कर रहा हूँ कि मैं किसी जो है कार से भी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे पास खुद की कार है हुंडे की, तो मैं ऐसा फील उसमें भी नहीं करता हूँ जैसा कि मैं इस कार इस ट्रैक्टर में फील कर रहा हूँ। जी सर, तो जो कि बहुत ही लग्जरी है, इसमें आप देखेंगे तो ये बहुत ही एडजस्टेबल भी है, आप इसको आगे पीछे बहुत ही इजीली आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत ही इजी इसमें मैं फील कर रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है ये। स्टीयरिंग भी अगर मैं देखूंगा तो वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, जिसको आप अपने आराम के हिसाब से ऊपर नीचे सब ऊपर नीचे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शानदार, आप देखेंगे तो इसमें हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और नीचे और नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोपिक टिल्ट स्टीयरिंग के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी है, जैसा कि बड़ी लग्जरी कार्स में ये फीचर आता है आप देखोगे, तो सेम वही लग्जरी फीचर आपको यहाँ पे जॉन डियर प्रोवाइड कराता है। काफी सारे बटन्स मिल जाते हैं सर इस ट्रैक्टर के अंदर। बिल्कुल, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके और फीचर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाइपर बटन दिया हुआ है, जैसे कि आपको चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको। काफी शानदार मीटर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर का, तो ये आपका वाइपर बटन है यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे ये इंडिकेटर के दिया है लेफ्ट राइट, ये हजार्ड बटन है, और यहाँ पे ये डुअल मोड स्विच है, आपको स्टैंडर्ड मोड में चलाना है या इको मोड में चलाना है। जैसे कि कार्स में आता है स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड, सिटी मोड, वैसा ही इसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जी सर, तो एसी तो बहुत ही प्यारा है इसका, इतना कूल तो शायद है मेरे कार भी नहीं करता, इतना बहुत कूल कर रहा है ये।
आप देखेंगे एक नंबर पे भी ये बहुत अच्छा कूल कर रहा है ये एसी, और इसमें जो है एसी प्लस हीटर है। अगर आप जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो आप इसको एसी पे चला सकते हैं, जैसे अभी सर्दी आने आएगी तो आप इसमें हीटर का भी मजा ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा केबिन इसमें यहाँ पे दिया है और बिल्कुल भी नॉइस प्रूफ है। मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी मेरे को सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पे। और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें और भी हैं जो कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे राहुल भाई, थोड़ा सा मैं नज़दीक आएंगे तो जैसे कि नॉर्मल ट्रैक्टर में हम देखते हैं हम रेंज लीवर और गियर लीवर दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पे हमें दोनों लीवर एक ही साइड में मिलते हैं, रेंज लीवर भी और गियर लीवर भी, जो कि आप देखते हैं 1, 2, 3 यहाँ पे गियर ऑप्शन दिए हुए हैं। और रेंज आप देखेंगे तो ABCD यानी कि 4 रेंज ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। और ये लीवर आप जो देख रहे हैं जैसे कि नॉर्मल ट्रैक्टर में PC और DC लीवर होते हैं, पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल, वो जो दोनों लीवर यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं जो कि बहुत ही लग्जरी फील कराते हैं, हमें बहुत ही अच्छा फील करते हैं। इसके साथ में 2 लीवर और देख रहे हैं यहाँ पे जो कि हमारा सिलेक्टिव कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करता है, SCV जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कई लोग बोलते हैं, जो कि पल्टी प्लाव चलाने में या हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके लिए यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए ये जो लीवर दिए गए हैं। और जो हैंड थ्रॉटल होता है, हाथ वाली रेस होती है, वो भी यहाँ पे बड़ा प्रीमियम से दिया है। आप देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है मुझे इसको ऑपरेट करते समय पे, जो नॉर्मल थ्रॉटल होता है, नॉर्मल लीवर होता है हाथ की रेस वाला, उसको यहाँ पे कितना अच्छे से कंपनी ने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा यहाँ पे ये लीवर दिया हुआ है हाथ वाली रेस वाला। और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे लगा सकते हैं और अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ भी आपको कुछ भी सामान यहाँ पर रखना है और अलग से आपको कुछ भी इसमें फीचर ऐड कराने हैं, कुछ भी अलग ऑप्शन बटन्स वगैरह लगाने, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। केबिन आप देखोगे यहाँ पे स्पेस देखोगे तो काफी सारा स्पेस है और ये यहाँ पे ब्रेक है, ये क्लच है, सस्पेंडर और ये पैर वाला एक्सीलेटर है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आपको कार की फील देने वाला है। ये सर प्लेटफॉर्म में भी काफी स्पेस दिख रहा है एसी केबिन होने के बाद में भी, और यहाँ पे जैसे स्टीयरिंग का ये सीट का भी आप देखोगे तो सीट में भी पीछे आगे करने का भी काफी सारा काफी स्पेस बन रहा है सर इसमें एसी केबिन होने के बाद में भी, और आर्म रेस्ट भी दिए हुए हैं। मतलब मुझे इस ट्रैक्टर में कहीं भी ये फील नहीं होता कि ये ट्रैक्टर है, मैं फील कर रहा हूँ कि ट्रैक्टर में कार से भी अच्छी चीज, मतलब मैं लगाई बिल्कुल सर काफी शानदार है। और इसकी मैंने एक चीज और महसूस की, ये ट्रैक्टर के अंदर जो है बिल्कुल कार में जो न्यू कार में पॉलिश आती है बिल्कुल वैसी एक प्यारी सी काफी शानदार सी खुशबू आ रही है ना, वो नई कार में जो खुशबू आती है वही खुशबू मैं यहाँ पे बिल्कुल सर सुन पा रहा हूँ। और इसमें ऑप्शन जैसे पीछे भी है, अगर आपको पीछे का खोलना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली खोल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे नॉर्मल स्टाइल वाली स्लोली यहाँ पे खुलता है। दोस्तों पीछे से आप ट्रैक्टर देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है सर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ इस ट्रैक्टर में बैठते हुए। दोस्तों काफी शानदार और काफी एडवांस बनाया हुआ है ये ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं काफी शानदार प्यारे प्यारे फीचर्स भी मिलते हैं। बाकी किसी और दिन इसका डेमो वगैरह भी करेंगे, काफी वीडियो आएंगे इस ट्रैक्टर के ऊपर। अभी पीछे के टायर 16, 9, 28, आगे के टायर आप लोग देख सकते हैं 9, 50 के मिलते हैं और काफी सारे फीचर, साइलेंसर काफी शानदार मिलता है, आगे के ग्लास जो है काफी शानदार मिलते हैं ट्रैक्टर के अंदर। तो सर और क्या बोलना चाहेंगे ट्रैक्टर के बारे में, बाकी शब्द नहीं है ट्रैक्टर को बताने के लिए। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी ये ट्रैक्टर को खरीद रहा है उसकी ये जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है आज का। सर इसकी जो प्राइस है लगभग प्राइस कितनी इस ट्रैक्टर की अपन बता सकते हैं? इसकी प्राइस अभी हमने जो कस्टमर डिलीवर किया ये 21 लाख में हमने दे रहे हैं इसको जी सर। तो अभी ये जो प्राइस है वो अभी फर्स्ट ट्रैक्टर है तो 21 लाख का इसका प्राइस है सर। वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर लगता है क्योंकि मैंने बैठ के देखा इस ट्रैक्टर के अंदर, और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा एक बार इस ट्रैक्टर का फील जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल फील लेने लायक चीज है ये, काफी शानदार और काफी कंफर्टेबल है। दोस्तों इसने जो है खेती किसानी को काफी कंफर्टेबल बना दिया है और काफी फ्रंट एक्सल काफी हैवी है, डबल पावर स्टीयरिंग मिल जाएंगे। बाकी किसी और दिन इसका फीचर्स का 54.05 का बनाएंगे सर। ये था दोस्तों एसी केबिन ट्रैक्टर, काफी मस्त साइलेंसर है इसके साथ में, आप देख सकते हैं कम्फर्ट का राजा ट्रैक्टर है, सब चीजों में काफी शानदार मिलता है आप लोगों को। बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है सर, ये इमोशन है ये किसान भाई का जिसने लिया है। हमारा राजा है और ये महाराजा है, ये महाराजा है बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है। तो चलिए चालू करिए सर ट्रैक्टर को, ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। पीछे देखते हैं सर जब तक अपने, एक बार पीछे से कैसा लग रहा है सर?
पीछे से भी बहुत ही जबरू ट्रैक्टर लग रहा है, बहुत ही गबरू ट्रैक्टर। आवाज देख सकते हो सर कितनी शानदार आवाज है। जाने कौन सी मशीन रखी हुई है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सर, ट्रैक्टर तो कहीं से कहीं लग ही नहीं रहा है। तो इसको 24 घंटे किसान चलाता रहे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर में, और बिल्कुल थकान तो होने ही नहीं वाली है ट्रैक्टर के अंदर। दोस्तों काफी शानदार और काफी कंफर्टेबल ट्रैक्टर, किसी दिन इसका फील भी करवाएं किसान भाइयों को खेत के अंदर। मैं कहूं तो ये लग्जरी ऑन द व्हील है। लग्जरी ऑन द व्हील है सर, यस सर, बिल्कुल शानदार ट्रैक्टर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।